कैसे हो सब सब बढ़िया सबके जीवन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? ठीक है। तो भाई आज क्या लेके आए? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ई का आउट सर? अरे फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है, हमने जहाँ तक पढ़ा है एक फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। अरे प्लांट फिजियोलॉजी में? हाँ हाँ सर है तो सही। तो वो है इसमें नॉन साइक्लिक मतलब कैसे एटीपी बनता है। अच्छा फॉस्फोराइलेशन का मतलब पता ही होगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। इतना तो मान के चलना आपको पता है। अब भैया सनलाइट से बनना है, लाइट से बनना है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो कहाँ चलत सर? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ सर हम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो ETS कोई सी एक साइकिल होती है सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली, वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनती है ATP, तो उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब थोड़ा बहुत पता है। तो सर आप एक बात बताइए, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये होता कहाँ पे है? ये जो है क्लोरोप्लास्ट देखे हो सर, जो वो ग्रीन, कहाँ पे होता है सर ये? अरे क्लोरोप्लास्ट देखे हो क्या सर? ऐसे तो नहीं देखे हैं लेकिन नाम सुने हैं सर, बहुत अच्छा सा होता है, उसके अंदर वो वगैरह क्लोरोफिल वगैरह पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल AB ये सब। हाँ हाँ तो वही बता रहे हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसका ग्रेना थाइलोकॉइड जो होता है, एक होती ग्रेना थाइलोकॉइड, हाँ सर, एक होती स्ट्रोमा। हाँ हाँ सर ये रोमा है कि स्ट्रोमा? अरे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होती थी? डार्क रिएक्शन। हाँ सर। और जो ग्रेना थाइलोकॉइड है, और जो ग्रेना थाइलोकॉइड है उसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन। हाँ सर होता तो है। तो ग्रेना थाइलोकॉइड में क्या होती है हमारी? लाइट रिएक्शन। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन। ATP बना क्यों रहे सर? अरे जब अभी अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना रेस्पिरेशन, हाँ सर, तो उसमें हमको जो है तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज को। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? ATP जो बनाई है यहाँ पे, वहाँ पे हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ATP कंज्यूम होगी और थोड़ी बहुत ATP बनेगी भी। अच्छा तो ATP के समझ हो ना, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? ATP का फॉर्मेशन। अब थोड़ा इसके एक साइकिल है वो बना देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ भैया तो ये हम क्या बनाए हैं? कुछ नहीं, इसे साइकिल बनाए हैं लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, अभी इसको कंप्लीट भी करना है। देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है भैया, ये सब पता ना, फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड, PS फर्स्ट, जो वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, अभी अपन जब पढ़ेंगे ना, ब्लैकमैन भाई साहब जो एक थे उनने भी कुछ दिया था कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, पढ़ेंगे परेशान नहीं होना। तो ये सब पता है ना, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन के कैरियर। ये क्या सर? FRS सर वो है, वो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये फेरोडॉक्सिन है। थोड़ी बहुत थोड़ी सी नॉलेज है ना बस, तो उससे अपन कंप्लीट कर देंगे। देख यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट सनबाथ ले रहा था, सनबाथ ले रहा था सर, कैसी बातें कर रहे? अरे मतलब सनलाइट आ रही थी, फोटोन आ रहा था, हाँ फोटोन एनर्जी आ रही थी एक तरीके की। ये किस पे पड़ी? फोटो सिस्टम सेकंड पे, जो कहाँ प्रेजेंट था? हमारी ग्रेना थाइलोकॉइड पे, मतलब क्लोरो प्लांट्स की क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना थाइलोकॉइड में प्रेजेंट था फोटो सिस्टम सेकंड। उसने बोला कि फोटोन आ रहा है तो मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट करेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड के बेस पे, मतलब ये जो ल्यूमन वाला पार्ट बनाया ना, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए। क्या होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर? यहाँ पे क्या होता है? पानी, पानी जानते हो? अरे सर कैसी बातें करते हैं, पानी रोज पी रहे हैं सर हम। अरे H2O, हाँ। तो जो पानी है वो किसमें, वो पानी जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? देखो ये पानी है, ट्वाइस ऑफ H2O मैंने लिया, ये कन्वर्ट हो जाता है 4 times ऑफ H+, ठीक है। और क्या दे देगा सर? ये दे देगा अपने को बढ़िया से इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और दे देगा ऑक्सीजन। अच्छा तो मतलब जो प्लांट सर हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो यहीं से निकलती है? हाँ गुरु वो यहीं से निकलती है, और भी जगह से निकलेगी लेकिन यहाँ से भी निकलती है। कहाँ से? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ल्यूमन वाले पार्ट से। वो इतना ज़रूरी नहीं है, अपने को क्या जरूरी है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बने, अब ई इलेक्ट्रॉन का करेंगे पूरा मोशन करेंगे साइकिल में। और नॉन साइक्लिक क्यों बोला है? क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो फोटो सिस्टम सेकंड के पास नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हो, बेस बना रहे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सुनो, ये भैया इलेक्ट्रॉन चले, परदेश चले इलेक्ट्रॉन, दो मैंने दो इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन पूछेगा इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फियोफाइटिन क्या है यहाँ पे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किस में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाएंगे उसमें बदल जाएगा। अच्छा तो इसने किसको पकड़ा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, बोल रहा होगा इलेक्ट्रॉन आ जा मैं तैयार हूँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन।
फिर इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का फिर मोशन कराया, कहाँ पे, प्लास्टिक यूनियन के पास। अब जब अपन लोग भैया थोड़ी केमिस्ट्री तो पढ़े ही हुए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो थोड़ी सी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहाँ थोड़ी एनर्जी भी निकल जाती है। ठीक, इतना ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने बता दिया कि भाई तुम लोग वो हो ना केमिस्ट्री वाले। अब ये जो प्लास्टिक यूनियन है ना भाई साहब, बहुत अच्छा बंदा होता है सर, वाकई में सर मुझसे मिले हैं, बहुत अच्छा है ये, ऐसी बात नहीं है। ये किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोजन पंप सर, मतलब हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में सोडियम पोटेशियम पंप मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा भी समझ सकते हो। ये यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन का आदान प्रदान करता है, किसके बीच में, स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में, और हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में मिलता है वो सोडियम पोटेशियम का करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सर हम पढ़े हैं, हाँ तो पढ़ो जाके सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद आप लोग क्या करना है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पूरी समझा दूंगा, और जो जो मेन चीज़ होगी एनसीईआरटी की वो भी बता दूंगा। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार वो बंदे ने जो पढ़ाया है वो मतलब है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसमें। अच्छा अभी जो पीक्यू है ये बाहर से क्या करेगा, एच प्लस को उठाएगा, अच्छा मतलब इंस्टॉल करेगा एच प्लस को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQH2 में। अच्छा मतलब प्लास्टिक क्विनीन जो है ये PQ जो है H प्लस को उठाएगा सर स्ट्रोमा से, और ल्यूमन में क्या करेगा, H प्लस को डाल देगा आके, यहाँ से ये H प्लस को क्या करेगा, अंदर डाल देगा आके। तो सर H प्लस क्यों डालना है ल्यूमन में, आपने सर पानी को भी तोड़ा तो H प्लस मिल गया, अब आप PQ से भी बेचारे से काम करा रहे हो। अरे क्योंकि ल्यूमन में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी लिखती है हमें यहाँ पे जनरेट करना है प्रोटोमोटिव फोर्स। सर फिर वही बात, गलत बात है नहीं, प्रोटोमोटिव फोर्स। अच्छा ये क्या होता है सर, जैसे जैसे H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, तो H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, जिससे क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगा। सर वापस आओ, अभी ज़्यादा आगे हो गए। हाँ तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन तो चले ना साथ साथ में, हाँ तो प्लास्टिक यूनियन ने किसकी तरह काम किया, हाइड्रोजन पंप की तरह, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचा है, साइटोक्रोम F के पास। अब सर एक बात बताइए हमको, हाँ सर, कि साइटोक्रोम B6 ऊपर क्यों है और साइटोक्रोम F नीचे क्यों है। देखो F पहले आता है ABCD में, अब B F आता है, F कहाँ से आता है, B आता ना, हाँ तो B आता है, तो B सबसे ऊपर हो गया और साइटोक्रोम F नीचे आता है। ठीक, साइटोक्रोम F से फिर इलेक्ट्रॉन चले कहाँ, प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन से ये जाएंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, उसको फिर एक्साइट करेंगे कि भैया हो जाओ शुरू, तुम्हारा काम आ गया है। और कैसे एक्साइट हो सकता है सर फोटोसिस्टम वन, जैसे कोई पूछ दे कि भाई किसी कंडीशन की वजह से प्लांट ने जो है इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं किया फोटोसिस्टम सेकेंड तक, फोटोसिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, तो क्या हमारी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली साइकिल है वो चलेगी, चलेगी भैया, क्यों, क्योंकि बाहर से क्या आ रही है, सनलाइट। हाँ सर सही बात है सर, बहुत अच्छी सी बढ़िया सनलाइट आ रही है, क्योंकि प्लांट तो हमेशा सनलाइट में बैठे रहते ना, तो सनलाइट तो आ ही रही बाहर से, तो फोटोसिस्टम। लेकिन हाँ इसमें क्या होती है, वेवलेंथ होती है कुछ, ये आपने थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि जो 600 फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो कितनी, 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को पकड़ता है, मतलब कि जो सनलाइट आ रही है उसमें अगर 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट है तो वो कौन पकड़ेगा, फोटोसिस्टम सेकंड, और फोटोसिस्टम फर्स्ट किसको पकड़ेगा, ये पकड़ेगा 700 नैनोमीटर वाले को। अच्छा ठीक है, अब फोटोसिस्टम फर्स्ट से कहाँ चले इलेक्ट्रॉन, परदेश चले सर, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, FRS जिसको अपन बोलते हैं, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा है FRS में, किस में पूछा है, साइक्लिक में, तो साइक्लिक में बताएंगे आपको। ठीक, और फिर पूछा गया फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला, फेरोडॉक्सिन के पास। अब सर आगे कहाँ जाएगा, अब आगे थे ना जाएगा, अब फेरोडॉक्सिन के पास बहुत ही दिलकश चीज़ होती है, दिलकश मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है इसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास, इसके पास होती है NADH रिडक्टेज एंजाइम। अच्छा NCERT भी लिखता है इसको, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, किसके पास होता है, नीट में क्वेश्चन पूछ ले कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फेरोडॉक्सिन के पास क्या होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ऐसा सर ये क्या कर देगा हमको, ये बताओ ऐसा ही कर क्या देगा, कुछ नहीं करेगा, ये जो है NAD+ को पकड़ेगा भाई साहब। अच्छा तो देखो ये चीज़ है, क्या चीज़ है, एक NCERT की लाइन है, एक तो हम बोल देते हैं कि जो फेरोडॉक्सिन है इसके पास क्या होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्ट्रोमा वाली साइड पे, कहाँ पे, स्ट्रोमा वाली साइड ऑफ ग्रेनम थाइलाकोइड। हाँ सर सही बात है, उसकी मेम्ब्रेन पे होगा, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, स्ट्रोमा की तरफ। हाँ ये क्या करेगा, ये H+ का इस्तेमाल करेगा, H+ कहाँ से मिल जाएगा भाई साहब, स्ट्रोमा में तो H+ है ही, यहाँ से प्लास्टिक क्विनीन ने उठाया था स्ट्रोमा से H+ और ल्यूमन में डाले थे, वैसे ही H+ का इस्तेमाल करेगा और NADP+ जो है उसको रिड्यूस कर देगा NADPH2 में। अच्छा देखो तो कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, NADP+ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वॉट, रिडक्शन। हाँ सर, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
थोड़ा तो ये सब केमिस्ट्री वाली चीजें हैं भाई साहब, थोड़ा वो तो आपको आना चाहिए ना, ना आना चाहिए। हाँ, तो NADP प्लस एच प्लस को पकड़ेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2। अब NADPH2 क्या होता है सर? भाई साहब ये जो है सबस्ट्रेट होता है, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट। इससे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो 3 ATP मिलेंगी। अच्छा तो सर ATP तो बनी नहीं, बता रहे ना कहाँ तुम भागे कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे अपन ने जो साइकिल चलती जाएगी, हाँ चलती जाएगी, धीरे धीरे चलेगी चलेगी चलेगी, तो यहाँ अंदर क्या होगा ल्यूमन वाले पार्ट में? एच प्लस एक्यूमुलेट होते जाएंगे। देख भाई NCERT की चीज़ है, जैसे जैसे एच प्लस बढ़ेगा प्रोटोमोटिव फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एच प्लस ऐसे ये फुस्से से निकलेगा। और ये वाला पार्ट सर क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताए नहीं? ये जो है ATPase है, का है ATPase, और इसको हम क्या कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, ATP सिंथेस। ये क्या करता है, ATP को बनाता है। अब इसके पता दो पार्ट हैं, ये बोल देते हैं कि ये जो मतलब पीछे वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ स्ट्रोमा मतलब थैलाकोइड में है उसको बोलते हैं CF0, और जो हेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं CF1। अच्छा तुम इतना परेशान नहीं होना, तुम इतना याद रखना ATP सिंथेस वाला है, ATP बनाएगा। कैसे बनाएगा? जैसे ही H+ का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, कहाँ पे? ल्यूमन में, वहाँ प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा H+ के बीच में, H+ फुर्ती में निकलेगा, स्फुर्ती में, बहुत स्पीड में। और NCERT इसको क्या लिखता है कि कन्फर्मेशनल मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है भैया, क्या कहता है NCERT? कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशन तुम तो ऐसे समझो, H+ एकदम से आया, इसकी मुंडी सटक गई, मुंडी मान लो है ना, इसकी मुंडी सटक गई, तो H+ बाहर निकलेगा, और बाहर क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिल जाएंगे, पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा तो हमने NADPH2 भी बना दिया जो कि हाई एनर्जी सब्सट्रेट है, और ATP भी बना दिया। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा? हाँ थोड़ा सा आया सर, ज़्यादा नहीं। अरे ज़्यादा समझना ही नहीं है। अब सुन एक बार, थोड़ा क्विक रिकैप करते हैं। तो हाँ भैया इसका थोड़ा सा अगर समझे, सन मतलब प्लांट बैठा हुआ था धूप में, सन बात ले रहा था अपनी प्लांटी उनके साथ, मतलब अपने सब लोगों के साथ बैठा था, भाई बंधुओं के साथ। तो उसने क्या देखा कि फोटो सिस्टम सेकंड है कि भाई 680 वाली आ रही है, अरे वेवलेंथ वाली लाइट आ रही है और कुछ नहीं, 680 वाली आ रही है। उसने बोला कि आजाओ बेटा ऑक्सीजन रिवॉल्विंग सेंटर, फटाफट मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं एक्साइट करके किसको दूंगा? अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन है वो? फियोफाइटेन। हाँ सर, फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा हाइड्रोजन पंप के पास, हाइड्रोजन पंप कौन होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है नेट में, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PQ एक्ट एज अ प्लास्टोक्विनिन एक्ट एज अ हाइड्रोजन पंप। क्या करेगा? स्ट्रोमा से H+ को इंस्टॉल करेगा और ल्यूमन में अनइंस्टॉल कर देगा आके, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहेगा, फिर फोटोसिस्टम वन भी बैठा है, इलेक्ट्रॉन आएगा और वो उसको एक्साइट करेगा फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, और फिर फेरेडॉक्सिन के पास। अब सुनो, कोई कोई सोच रहा होगा कि सर ये अप हिल डाउन हिल जेड स्कीम का प्रोसेस है सर, हम समझ नहीं रहे हैं, तो वो आने वाले लेक्चर में समझ जाओगे। ठीक है ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है कि ल्यूमन में H+ की कंसेंट्रेशन किसने बढ़ाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहता भाई साहब। अच्छा कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, अच्छा अब H+ प्रोटॉन ही तो होता है, हाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन बनाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? तो आपका आंसर होना चाहिए आपके लफ्ज़ों पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, हाँ ये क्या कर रहा है H+ को बना रहा है, और हमारा PQ प्लास्टोक्विनिन, हाँ सर प्लास्टोक्विनिन भी तो है बना रहा भैया H+, हाँ तो E का करेगा प्रोटोमोटिव फोर्स को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, ये एक टाइम आएगा जब प्रोटोमोटिव फोर्स मैक्सिमम होगा तो H+ यहाँ से निकलेगा और कन्फर्मेशनल मूवमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुंडी सटकेगी। इसकी मुंडी सटकेगी गुरु ATPase की, CF1 वाले पार्ट की मुंडी सटकेगी, और H+ निकलेगा बाहर, और ADP बाहर जो प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के ATP बना लेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन एडिशनल लेवल पे चलते हैं, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर जो है, हाँ सर ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर जो है जो हमारे ल्यूमन वाले पार्ट में प्रेजेंट है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, या फिर ऐसे समझो पानी को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको क्या याद रखना है, Mg+2। अच्छा Mg+2 की आवश्यकता होती है, और Cl- भी थोड़ा बहुत अगर मिल जाए, अच्छा क्लोराइड और Ca+2। आपको क्या याद रखना है, मैग्नीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, Mg+2। नहीं वहाँ पे तुम लोग ढूंढोगे सर ये आउट ऑफ द सिलेबस है सर, मतलब क्वेश्चन ही गलत है सर, Cl- तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, अपने क्या रखना मैग्नीशियम, Mg+2। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये क्या करता है वाटर को तोड़ता है, ये पानी को तोड़े ना भाई साहब, तो यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, मैग्नीज प्लस टू की। अच्छा अब सुनो, अब इसके बाद क्या करें सर, एक बार NCERT पढ़ लेना जाके, ठीक पूरा यही होगा, फिर भी एक बार आप पढ़ो तो क्या दिमाग में थोड़ा बैठा रहेगा। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं, कौन सी वाली, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ इसके बाद C3 C4 बहुत मजा आएगी, देखते जाना, बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम आराम से निकलेंगे यार, समझ रहे हो 100%, लेकिन जरूर देना, नहीं फिर मजा नहीं आएगा, समझ लो, बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।